हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो कि यार डीजे क्या करता है ऐसा कि वो एक साथ सारे सॉन्ग बजा लेता है, रिमिक्स बना लेता है, और अगर आपके मन में भी हो कि यार मुझे भी डीजे बनना है या फिर मुझे भी एक बार वो ट्राई करना है, वो क्या चीज़ है जो ऐसी चीज़ कर लेती है और इतना मज़ेदार साउंड होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक 3D म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप डीजे बन सकते हो और वो सारे मज़े उठा सकते हो जो एक कंसोल में होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंसोल है, दो गाने एक साथ बज रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क प्ले हो रही है। तो इन सब के इस पूरे कंसोल का मैं पूरे फीचर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एक एक बटन क्या करता है। एंड में मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो बीच वाले बटन से प्ले होते हैं दोनों सॉन्ग, और जो ये राइट की तरफ दिया हुआ है बटन उसको दबाएंगे तो यहाँ पे म्यूज़िक चेंज होगा राइट वाली साइड का, और ये लेफ़्ट वाला बटन दबाएंगे तो चेंज होगा म्यूज़िक लेफ़्ट वाली साइड का। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्क पे गाने बदलते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच वाला बटन दबाएंगे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है, कम ज़्यादा वॉल्यूम को आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेन है, ट्रेबल दिया हुआ है आपको। अगर आपको इसका बेटर बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो आप इसे स्पीकर पे कनेक्ट करिएगा, आपके घर पे स्पीकर होंगे उन पे कनेक्ट करिएगा या फिर लीड लगा लीजिएगा, उसके बाद तभी आपको डीजे वाली फीलिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पे बैंड पास इफेक्ट जो है आप अपनी एक ऑडियो में डाल सकते हैं, डिले करवाना है, इको डालनी है उसमें, फ्लैंगर, ये सारे टर्म हैं जो ऑडियो एडिटिंग जानता होगा या फिर म्यूज़िक के बारे में थोड़ा जानता होगा उसको से ये सारे टर्म पता होंगे। वही सेम चीज़ लेफ्ट साइड पर भी होती है एक म्यूज़िक को एडिट करने के लिए, बैंड, रिजेक्ट, फ्लैंगर, इको, डिले, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी इफेक्ट चूज़ कर लीजिएगा अपने म्यूज़िक को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद आपको ऊपर वाली साइड पर एक बटन मिलता है इक्वलाइज़र का, जिसको और जो भी म्यूज़िक को और ज़्यादा बेहतर और मॉडिफाई कर देता है, जो सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही क्लियर लगता है। उसके बाद यहाँ से भी आप फुल ट्रेबल, लाइव, पार्टी, पॉप, जो भी सॉन्ग है आपका उस हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं और इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने सुनने के हिसाब से। सेम म्यूज़िक प्लेयर की तरह ये बजता है। अगर मान लीजिए आपने सेट कर दिया है, आपको साउंड अच्छा लग रहा है, उसके बाद आप इसको अगर होम पे दबा देते हो, उसके बाद आप इसको एकदम अपने म्यूज़िक प्लेयर की तरह गाने सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये एप्लीकेशन ओपन रखनी होगी तभी आप सॉन्ग सुन पाओगे, आप उसको बंद भी कर सकते हो तब भी इस गाने चलते रहेंगे बैकग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का बटन मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ साइड पे ग्रीन बटन दिया है, ये इस साइड के सॉन्ग को बजाने के लिए, और ये पूरा 3D है आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा मूव करा रहा हूँ। ऊपर एक एरो का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3D है। 3D के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 3D का एकदम XYZ पूरी एक्सिस पे रोटेट होता है, ये रोटेशन के दो मोड दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे साइड में लेफ्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे ब्राउज़र के और ये डिस्क के, कि कौन कौन से गाने बजाने हैं और कौन सा सर्च करना है, वो सारे ऑप्शन। और ये ग्रीन बटन जो साइड में दिया है ये प्ले करता है सॉन्ग राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का अलग अलग है, उसका बटन वहाँ साइड में दिया हुआ है लेफ्ट पे। और अगर आप इन फ्यूचर डीजे बनना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये है वो फ़ोटो, आप देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए क्या क्या किसके फंक्शन हैं।